करिया से तेसर नामा लिख दऊ और गंगा जी कर सहाय। अरे बैठे बैठे उधल आब नंगी बांधे आब तलवा। और ये हमारे भैया पूरन लाल कस्बा रामपुर कांकर निवासी 10 रुपए से सम्मान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाचत चिठिया उधल आईयो पलकिय देर लगइयो नाय। आरो है चौहान चढ़ो कनौ जप ठाड़े अलीनी लूट करा है। कुमार नाम से। और ये भैया सामने बैठे हमारे दादा, उन्होंने 10 रुपए का सम्मान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ताऊ धल सोच मन अपने मैं पाही रिज गिर गिर मैदान। आरो है सब जानत दिल्ली बारे रिज गिर बसत उदय सिंगलाल। और फिर हमारे महाराज जी हर रामपुर निवासी ये पंडित जी 10 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लल्ला आरे का समय रे बाना मेरे दौला कलू का उठना लगे थे आकाश। और मेरे दादा धनौरा के निवासी ये रामपाल पंडित जी ये 10 रुपए से सम्मान देते, बहुत बहुत धन्यवाद। 20 रुपये आ गए। और वाह बंगे बता, उधल कहने लगा कि पृथ्वीराज जानते हैं कि कनौज में जो है रिजग में उधल बसत है, भूल के कदम जो है पृथ्वीराज कनौज में नहीं दे। फिर हमारे महाराज जी 10 रुपये धनौरा निवासी 10 रुपये से सम्मान देते, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं उधले बोलो तब नौ कर से नौ कर सुनो हमारी बात। धले जानी आए गो सूरम हो बे क्यार। अरु नाय ताओ है पिथियर राज में कनौज कर रहे चढ़ाई आए। फिर वही हमारे महाराज जी धनौरा निवासी ये हमारे महाराज जी 10 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक समय रे बाना मैं जाता लागी कलू का उठना लागे थे आकाश। आरो आगे ना प्रचंडा लपाटा जाबा झाड़ तो तारो बारा होता जाता खेर। फिर वही हमारे महाराज जी धनौरा निवासी ये 10 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आरो बाला बाला सोभाटा बैठे मैं फले मैं तो कमतिया कोई का हुआ सरे नाए। आरो हम कौरे आगा मारे जो दीखा तो है हो
मदन ने जान लिया कोई महोबे का आदमी है, पृथ्वीराज में इतनी हिम्मत नहीं है जो कन्नौज में चढ़ाई करने आ करके, और लिख करके भेज दिया कितनी लड़ाई है एक आदमी के लिए, तुम लाखन को भेज दो, हमें क्यों परेशान करोगे। हलकारा भाई पैर पे वापस हुआ और वो आकर के चिट्ठी लाखन के लिए दे दी, और उन्होंने कहा कि महाराज अरे लड़ाई कटरा की कितनी लड़ाई है, एक घुड़सवार के लिए तुमने हमारे खबर सूचना भेजी और लाखन तुम ही चले जाओ, उसने बटाया जाएंगे भगा दो मारेंगे। तो उधर जागन जो है बाजार में हल्ला मचा रहा है, टापन से घोड़ा पे दारू को जितने ठेका है सब उड़वा दिए, और इधर लाखन सोचने लगा है हो आज लड़ाई तो कर रही होगी भैया, है कोई करो सूरमा। तो 500 जवान सजा करके लाखन जो है कटरा के लिए चला, और भुरई हथनी पर बैठ गया घंटा घनर घनर घंटाले, और तोप की आवाज छूटी तो औरतें सतखंडा पे चढ़ गई, सोचने लगी आज कहां की तैयारी होगी, लाखन कहां के लिए जा रहे हैं। अरे घंटा बाजो का जब भुरैया को चौके पीरा रे कनौजी राय, आजो कौन से गड़प है जा होएगी चढ़ाई, तब कौन से गड़प है बजेगी तलवार। हौलो जा हथनी जाए रे तो करो बाजार में पहुंची जाए, और त्रिया ठाणी है सतखंडा पे तो जागन सज कहिए सुनाए, का कही अरे बिना मौत तुम मारे जय हो तो बैठे ललारे सुरग पछताओ। कनौजिया की रे आबत है आय रो चक्रवर्ती रे महाराज, अरे ये का हाथ में जे मारे जय हो तो बैठे सुरग लोक पछताओ। आबत खिलाओ ना मारो जय हो तासे घोड़ा जो अंत को जाओ बराए, और प्राण बचाए जाओ जा कनौ जसे तो अपनी ले जाओ जा जान बचाए। और 20 रुपए हमारे मुल्ला जी दे रहे हैं और कल्याणतर में छाप मांग रहे हैं, और मुल्ला जी ने क्या कहा, सवारी ऊंट की होगी तो हजरत जा रहे होंगे, सवारी ऊंट की होगी तो हजरत जा रहे होंगे, और मदीना सामने होगा तो कलमा पढ़ रहे हो। लला आर संकट पाले रे कौन संकट पड़े रे सुदामा जे लरज तो पहुंचे रे सिरिया कृष्ण के पास। और हमारे दादा सुनील कुमार पंडित जी कस्बा धनोरा निवासी 10 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आरे सिंह भाती काठिया पर बैठो कठाड़ो वीर जगन कर राय, आरो जागने बोलो तब तिरी अनुसार
जी कस्बा धनौरा निवासी, ये 10 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद लल्ला। अरे कहां तक भर जाऊं मैं बाबा रोसे रखो के शोभा वरण कहिया नारे जाए। अरो बड़े रे घरानिया के रे मालिक है तो गर दिया ही न जा दही है भगवान। फिर पंडित जी सुनील कुमार कस्बा धनौरा निवासी 10 रुपए देते हैं, बहुत धन्यवाद अल्लाह। ये रामपाल शर्मा जी पंडित जी ये कस्बा धनौरा निवासी 20 रुपए से सम्मान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या लगेगी बेटा? अरे कुरुआ क्षेत्र की आरो ये कालांगा काटा का लगी रे यारा जुना की तवे कालांगा कराना बीरा यवतार। फिर वही छाया हुआ नाम सुनील कुमार पंडित जी कस्बा धनौरा निवासी 10 रुपए देते, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 रुपया झंडू लाल कस्बा सराव निवासी। अरे जब ही अपना करना करे छूटे बहुत अच्छे हीरे बाणा छुटा तो राजू ना को होता रथ साता कदम ही जा। और ये हमारे दादा भगवान दास कस्बा डबटा निवासी जो कहते हैं ढोला में छापा। हम डारेंगे मढ़िया अपनी कसबा अरे डबाटा में। अरे तुम तो साजिंदा अपने घर को अरे रमे जइयो। अरे हम तो डबटा करेंगे गुजारो अपनो जिया। ये हमारे दादा संतोष कुमार ग्राम सराऊ कोटेदार 10 रुपया भैया कोटेदार शोभा ना दे 10 रुपया। दस रुपया सर्वेश मारे दादा कस्बा कीरतपुर निवासी। अरे कस्बा अरे ककी
ही छाया हुआ नाम सुनील पंडित जी, कस्बा धनौरा निवासी लल्ला। अरे कस्बा का धनौरा का मेरो मनबा, अरे तड़ाप तुए मन कस्बा लाई देखे पाओ है आखियां नसे। अरो सुन के नामो मन को अरे लेता हम समझ जाता है, और कर्ण जिस समय बाण को मारता है तो रथ तीन कदम हिलता है। भगवान कृष्ण कहने लगे रथ पे बैठे कर्ण से, क्या बोले लल्ला? आरे धन्य धन्य है जबीर कर्ण को, कतो समसूरा दूसरो रे बेटे। आरो धन्य धन्य हरे तेरी मैया को तो जननिया धरे रही थी नौ मास। ये हमारे दादा 50 रुपया चमन टेंट हाउस बल्लिया, ये 50 रुपए सम्मान देते, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे दादा नन्हेलाल कस्बा हर्रामपुर निवासी, ये 20 रुपए से सम्मान करते, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण कहने लगे कि धन्य है धन्य तेरी मैया को जननी नौ मास धरे, तो सम वीर दूसरों नहीं है। अर्जुन है जो खून खोल गया जल गए, और कहने लगे कि महाराज प्रभु आप हमारे रथ पर सारथी बने बैठे हो, और हम रथ के बाण मारते हैं तो उसका रथ 7 कदम हिल जाता है, और वो बाण मारता है तो 3 कदम हिलता है, लेकिन बढ़ाई तो उसकी करते हो फिर भी। भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन तुझे ये पता नहीं है तेरे रथ में क्या करिश्मा है? बोले क्या करिश्मा है? आरे से नागा पहिया ना मजली पिटे, धारे धारे हापा की रहे रे पाताल। आरोहनुआ मान छतुरिया पेजे बैठे तो साले आतीने हाथे है बजर। भाई छाया हुआ नाम सुनील पंडित जी कस्बा धनौरा निवासी 20 रुपए से धमाका किया। कहने लगे अर्जुन शेष नाग पहियन में लपटे जिनके फड़ला गया पाताल, और हनुमान छतरु में बैठे 3.5 हने बजरंग। आर तीन लोक की जल